नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु का एक और खास सेगमेंट, जिसमें कि हम आज इंश्योरेंस से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो आज लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, और इसी के साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। ये है हमारा मेल आईडी जिसमें कि आपके जो पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जो भी सवाल हैं और खास करके इंश्योरेंस, क्योंकि आज हम इंश्योरेंस से जुड़े क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे, आप उससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली होल लाइफ टर्म प्लान कवर की। ट्रेडिशनल प्लान जो टर्म प्लान्स होते हैं एक लिमिटेड कवरेज ही देते हैं, और अक्सर देखा गया है कि ये लिमिटेड कवरेज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसके चलते जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो ये नहीं, इस तरफ नहीं ले रहे हैं लिमिटेड कवरेज की वजह से। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि ट्रीटमेंट्स काफी सारे अवेलेबल हैं, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लिमिटेड कवरेज प्लान्स जो है वो आजकल अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है। तो इसी को थोड़ा और रिवैम्प करने के लिए काफी सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक नए तरीके का प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसको कि न्यू एज टर्म प्लान कहा जाता है, और आम भाषा में जो इसका नाम है वो है होल लाइफ टर्म प्लान। इसमें आपका पूरा जो लाइफ है, जो पूरी एज है, वो कवर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है ट्रेडिशनल टर्म प्लान का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आप पॉलिसी ले लेते हैं, सपोज आपने जो पॉलिसी ली है 35 ईयर्स में आपने पॉलिसी ले ली है अगले 40 सालों के लिए, तो जो कवर मिलेगा आपको वो 75 साल तक मिलेगा, वो कवर वैलिड 75 साल तक रहता है। लेकिन जैसे ही आप सपोज आपने वो एज क्रॉस कर ली है और उसके बाद अगर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाता है, तो आपको नॉमिनी को उस केस में पैसे नहीं मिलते हैं, उस केस में कोई कवर सम इंश्योर्ड कुछ नहीं मिलता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा ट्रेडिशनल टर्म प्लान का। उसी चीज को रिवैम्प करने के लिए काफी सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक नए तरीके का टर्म प्लान लेकर आई है, जिसको कि हम होल लाइफ टर्म प्लान कहते हैं। इसमें यह होता है कि काफी सारी जो कंपनियां हैं वो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए जो आपका कवरेज है वो कवर हो जाता है। यहाँ पर काफी सारी कंपनियों के नाम आपको बता देते हैं, इसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस है, एवन लाइफ इंश्योरेंस है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ये इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। लेकिन इस पर और चर्चा करेंगे, इसके और क्या फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं, और क्यों ये जो नॉर्मल एंडोमेंट प्लान है और टर्म प्लान है उससे बेहतर है, क्या क्या जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो किस तरीके से पे कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ आज संतोष अग्रवाल जुड़ेंगी, जो कि हेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है पॉलिसी बाजार की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप स्टूडियो में नहीं आ पाई हैं, फोन लाइन के जरिए अभी फिलहाल ही हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इनसे कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि होल लाइफ टर्म प्लान क्या है, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों के जो हमारे पास आए हैं, तो उससे शुरुआत करते हैं शो की। बैंगलोर से विजयनाथ ने सवाल भेजा है, इनकी उम्र 31 साल है और ये 5 लाख इनकी इनकम है और ये इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि किस तरह का इंश्योरेंस प्लान ले हम, क्योंकि इनके सवाल देख के लग रहा है ये पहली बार कोई एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कितने तक का कवरेज मिलेगा, और इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में लगभग आपको 15-20 times का कवर मिल सकता है। अगर आपकी एज जैसे बता रहे हैं 31 ईयर्स है, तो आप 20 times तक का कवर ले सकते हैं। और 10 times इज जनरल थंब रूल, 10 times इज एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर यू टू कवर योरसेल्फ सफिशिएंटली। तो आई वुड से एटलीस्ट 50 lakhs से 25 lakhs के इनकम का कवर ले सकते हैं आप। जी जी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, हम इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी देर में ये हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ेंगी। तो हम आज आपको होल लाइफ टर्म प्लान के बारे में बता रहे थे और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों ट्रेडिशनल टर्म प्लान्स हैं और एंडोमेंट प्लान है उससे क्यों बेहतर है, प्रीमियम में किस तरह का इसका फर्क आता है, और क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या एडिशनल फीचर्स हैं इसके, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ
इस वक्त हमारे साथ संतोष अग्रवाल जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। और ये जो टॉपिक है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाता क्योंकि आप पॉलिसी बाजार में हैं, आप इंडस्ट्रीज को काफी क्लोजली ट्रैक करती होंगी, तो क्या आप हमें बता सकती है जो होल लाइफ टर्म प्लान है ये एग्जैक्टली है क्या, दर्शकों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें, और ये क्यों ये टर्म प्लान जो ट्रेडिशनल टर्म प्लान चले आ रहे हैं वो उससे बेहतर है? देखिए अभी तक जो टर्म प्लान्स थे, टर्म प्लान एक तो टर्म प्लान क्या है वो जानना जरूरी है। टर्म प्लान एक प्योर प्रोटेक्शन कवर है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली जो कि फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा है उसके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है दैट कभी कुछ अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो सकती है अगर आप ना रहें, इसलिए टर्म प्लान पहला होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। अब हम जो न्यू एज टर्म प्लान या होल लाइफ टर्म प्लान की बात करें, टर्म प्लान जो कवर करता है आपको लगभग जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में वो आपको 75 इयर्स तक कवर करते थे या 80 इयर्स तक कवर करते थे। अब दो जो चीजें हैं सोचने वाली इसमें, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ये सोचते हैं अगर मैंने टर्म प्रोडक्ट लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया, और अगर मैं हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूं, और कुछ अगर ऐसा हुआ दैट 75 इयर्स तक की एज तक मैं जीवित रहा और उसके आगे ये प्रोडक्ट एक्सपायर कर जाएगा तो मैंने जितनी प्रीमियम रकम भरी है इस प्रोडक्ट में वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो एक तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका है सोचने का कि मेरी अर्निंग जो है वो मेरे रिटायरमेंट तक ही रहती है, तो रिटायरमेंट के बाद मैं इतना वेल्थ क्रिएट कर लूंगा कि मेरी फैमिली को उसके आगे जो मैंने वेल्थ क्रिएट की है वो काफी होनी चाहिए। देखिए सोचने का तरीका है अलग अलग, कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है। जो होल एज जो न्यू लाइफ टर्म प्लान जो हम बोल रहे हैं न्यू एज टर्म प्लान, होल लाइफ की खासियत ये है कि आप एक तरीके से गारंटी कर रहे हैं कि कभी भी डेथ हो तो आपको आपकी फैमिली को ये पैसा जरूर मिलेगा। तो ये क्यों फायदेमंद है? देखिए दो रीजंस हैं मैं कहूंगी ये फायदेमंद है। आप एक रेगुलर टर्म प्लान जो है उसमें लगभग अगर आप 1 करोड़ का कवर ले रहे हैं और आपकी उम्र 30 साल की है तो लगभग आप अगर 75 इयर्स तक का कवर लेते तो आपको 5 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रीमियम देना पड़ता। अगर आप होल लाइफ टर्म प्लान ले रहे हो तो आपको 5 की जगह 11 लाख टोटल प्रीमियम भरना पड़ेगा। ओके। बट 6 लाख रुपए एडिशनल भरने पे आपको 1 करोड़ गारंटीड हो जाता है। तो अगर आप ये सोचो दैट आपने जो एडिशनल 6 लाख रुपए पे किया है उस पे अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, अगर आप IRR निकालो तो आपको लगभग अगर आपको आपकी डेथ मानो होती है 99 इयर्स पे तो 7.5% तक का IRR मिलता है जो कि किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो मैम आप कह रही हैं कि प्रीमियम वाइज ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है जो ट्रेडिशनल टर्म प्लान होते हैं उनसे। अगर एंडोमेंट प्लान की बात करें क्योंकि वहां पर भी एक टाइम पर आकर पे बैक ऑप्शन रहता ही है, मनी पैसे मिल ही जाते हैं जो पॉलिसी होल्डर है उसको, तो उससे ये कितना, उससे अगर कंपेयर करें तो प्रीमियम का क्या फर्क आता है? देखिए इंडाउमेंट बहुत अलग तरीका का कैटेगरी है। एक तो इंडाउमेंट और टर्म इंश्योरेंस बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं। इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंडाउमेंट प्रोडक्ट में जो आप प्रीमियम भरते हो उसका 10 गुना ही लाइफ कवर होता है जी। तो अगर आप मानिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए भरा है तो आपको 10 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस उसमें मिलता है। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, सपोज आपने टर्म प्लान आज लिया और 5वें साल में डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली को सिर्फ आपको 1 लाख के जगह पे 10 लाख रुपए मिलेगा जो अपनी प्रीमियम भरा है। जो रेशियो होता है वो ओनली 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम अमाउंट होता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस में वो रेशियो ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स होता है। तो 10,000 रुपए की किस्त भरने पे 1 साल में आपका जो कवर है वो 1 करोड़ का आपको कवर मिलता है जी। तो अगर प्रोटेक्शन की आप ऑब्जेक्टिव से खरीद रहे हैं तो टर्म प्लान ही आपको लेना जरूरी है। दूसरा अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी सोचें तो कोई भी ऐसा इंडाउमेंट प्रोडक्ट जो कि ट्रेडिशनल इंडाउमेंट प्रोडक्ट जहां पे जो मनी वैल्यू गारंटीड होता है उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका IRR 5 या 5.5% से ऊपर हो। करेक्ट। अगर आप टर्म प्लान की बात करें तो आप अगर आप ये माने कि आपने 16,000 रुपए लगभग भरे हैं हर साल, अगर आप 30 साल की आपकी उम्र है और आप ये किस्त भरते जा रहे हो और आपकी सपोज डेथ होती है 99 इयर्स में तो आपका रिटर्न जो है वो लगभग 7.5% होता है। अगर आपकी डेथ आप मानो
90 साल पे होती है, आपका जो रिटर्न है IRR जो है वो लगभग 9% का होता है. तो हर तरीके से आई वुड से दैट होल लाइफ टर्म प्लान इज अ बेटर प्रोडक्ट. बट ये प्रोडक्ट आप तभी लें जब आप टर्म आपके दिमाग में हो, आपको प्रोटेक्शन की नीड हो. आप इसको एंडाउमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग होता है. एंडाउमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है मनी क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन. जी, तो प्रोटेक्शन उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. सो दो बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अलग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं. बेसिकली हम अपने दर्शकों को भी हर वक्त ये सुझाव देते हैं कि जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट कुछ लेने जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें और फीचर्स जरूर देख लें कि वो आपके जो भी जरूरत है उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसी बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमुख मिश्रा जी, और इनका सवाल लाइफ इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ है. संतोष जी, वो भी एक बार सुन लेते हैं. जी पूछिए सुमुख. हाय, ये जानना चाहता था मैं, मैंने एक इसका लिया है टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा प्लस एंड ये दिस वन टर्म प्लान. तो वो सही है कि नहीं है? आई एम 34 इयर्स ओल्ड और वो 1 करोड़ का है उसमें इंश्योरेंस. क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है. टाटा AIA जैसा ब्रांड नेम आपके साथ है, जो ट्रस्टेड ब्रांड है, और जिस कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बहुत ही बेहतरीन है. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टर्म प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो आप जरूर कंटिन्यू करिए इस प्लान को और आपने काफी अच्छी चॉइस की है. तो चलिए सुमुख जी, आपने जो भी लिया है प्रोडक्ट अपने लिए वो काफी अच्छा है, आप स्टिक रह सकते हैं. एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी सवाल ले लेते हैं फटाफट से. दीपक पूछिए. मेरा एक्चुअली LIC जीवन तरंग में इन्वेस्ट किया है. LIC फिर से बताएंगे, LIC के जीवन तरंग में. जीवन तरंग में. उसमें एक्चुअली स्कीम ये है कि 15 ईयर तक प्रीमियम ऑफ 35,000 हर ईयर डिपॉजिट करने होते हैं और एट द एंड ऑफ 15th ईयर अराउंड 7 लाख मेरे को वन टाइम मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी ईयर ऑनवर्ड आफ्टर दैट 26,000 पर ईयर मिलेगा. तो माय क्वेश्चन इज, कैन आई स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम और सरेंडर दिस LIC तरंग? Because the surrender value is around 3 lakh as of now, and I've already paid 9 installments, 9 premiums. तो संतोष जी, देखिए आपने ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है एक कुछ पीरियड के बाद में, और आपको कुछ बोनस अमाउंट्स मिलते हैं. ये अगर आपने प्रोडक्ट लिया होगा, ये आपने वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से लिया होगा, ना कि टर्म प्रोटेक्शन के हिसाब से. मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म थोड़ा नजरिया है तो आप इस प्रोडक्ट को सरेंडर ना करके पेड अप करिए. पेड अप करने पे क्या होगा कि जितना आपने प्रीमियम भरा है, जितना पैसा आपने आज तक इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट वो पैसा आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल जाएगा. सो यू विल गेट द एंटायर अमाउंट बैक विद सम बोनस, बट आपको वो अमाउंट टोटल मैच्योरिटी के बाद मिलेगा. अगर 15 साल का प्रोडक्ट है तो 15 साल के बाद आपने जितना प्रीमियम भरा है विद सम बोनस आपको वो रिटर्न में मिल जाएगा. तो पेड अप इज अ बेटर ऑप्शन देन सरेंडर. सो यू कैड मेक द पॉलिसी पेड अप. और आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, आप एक यूलिप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आजकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो जीरो कॉस्ट यूलिप हैं, जिसमें बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता. ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी म्यूचुअल फंड से को टक्कर दे सकते हैं या उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट है. तो अगर आपका 10 साल तक का नजरिया है या 5 साल का भी नजरिया है तो आप यूलिप में निवेश कीजिए, उससे काफी ज्यादा अमाउंट आपको उस टाइम में मिल जाएगा. संतोष जी, हम होल टर्म लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. सर, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और क्या क्या फीचर्स हैं उनके, अगर आप वो बता सके हमारे दर्शकों को? तो देखिए, सबसे पहली कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के बारे में सोचा था तो वो थी भारती एक्सा. भारती एक्सा ने कवरेज जो है पहली बार जो रेगुलर अवेलेबल था मार्केट में 75-80 ईयर्स, उसको बढ़ा के 85 ईयर्स तक का कवर किया. और उसके बाद देवर कंपनीज लाइक HDFC लाइफ, जिसने एक होल लाइफ टर्म प्लान इंट्रोड्यूस किया मार्केट में. उस प्रोडक्ट में कभी भी डेथ हो, आपको आपके नॉमिनी को वो सम अश्योर्ड जरूर मिलेगा. थोड़ा महंगा है उसका प्रीमियम, बट वो पहली कंपनी थी जिसने वो स्टेप लिया और मार्केट को डायरेक्शन दिया कि ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट को. उसके बाद एगॉन लाइफ ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, आई टर्म फॉर एवर. वो प्रोडक्ट भी एक होल लाइफ टर्म प्लान है, कभी भी डेथ हो नॉमिनी को जरूर 100% गारंटीड पैसा मिलेगा. उसके बाद PNB मेटलाइफ ने
बहुत लेटेस्ट एंट्री है, जिन्होंने एक टर्म प्लान लॉन्च किया होल लाइफ टर्म प्लान, वो आपको 99 इयर्स तक कवर करता है. तो अगर 99 इयर्स, विच इज ऑलमोस्ट गारंटीड दैट समबडीज डेथ विल हैपन, तब वो आपको प्लान कवर करता है. और 99 इयर्स के अंदर अगर डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को वो सम अश्योर्ड कवर अमाउंट जो है वो मिलेगा. अब इन प्रोडक्ट्स पे की खासियत ये भी है कि अगर आप चाहें, जैसे HDFC लाइफ की बात करें या एगॉन की बात करें, आप ये प्रोडक्ट आपको आजीवन कवर करते हैं, लेकिन आपको आजीवन प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है. okay. आप प्रीमियम तब तक दे सकते हो जब तक आप अर्न कर रहे हो या जब तक आपकी रिटायरमेंट एज है. तो आप चूज कर सकते हो प्रीमियम टू पे टिल 60 इयर्स और टू पे टिल 65 इयर्स, विच इज योर अर्निंग इयर्स, एंड द प्रोडक्ट विल कवर यू टिल यू लिव. सो बहुत अच्छा फॉर्मेट है और बहुत अच्छा आई वुड से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो आपको सोच के, कस्टमर की नीड को सोच के बनाया गया है. तो ये बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए. दूसरा, पीएमई मेट लाइफ में आपको रेगुलरली प्रीमियम भरना पड़ेगा जब तक आप कवर चाहते हो, बट एक बहुत ही किफायती प्रोडक्ट है. तो आपको जो प्रीमियम है पीएमई मेट लाइफ का वो काफी कम है. अगर आप कंपेयर करोगे HDFC लाइफ या फिर एगॉन से, तो उनसे सस्ता है पीएमई मेट लाइफ. ओके, तो ये कुछ ऐसे कंपनी हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट ऑफर भी कर रही हैं. अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन तीनों कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं. कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं. हमें मेल के जरिए लोकेश कुमार शर्मा ने जयपुर से मेल किया है और इनका सवाल यह है कि ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करते हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उनके साथ ये डील करते हैं, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, मिनिमली है. तो ये जानना चाह रहे हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त इनको किस किस तरह का डिस्क्लोजर करना होगा, किस तरह की प्रीमियम लोडिंग होगी. संतोष जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? देखिए, आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई जरूर करिए. आपको ये बताना होगा आप किस इंडस्ट्री से हो, आपका वर्क बेसिकली किस में आप डील करते हो, और आपको इनिशियल जो प्रीमियम अमाउंट है जो अवेलेबल है वही प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा. बट ये कम्प्लीटली एक अंडरराइटिंग डिसीजन है जो आपके डिस्क्लोजर पे इन डिटेल आपको देख के, जानकारी लेके आपसे इंश्योरेंस कंपनीज की अंडरराइटिंग टीम्स ये डिसाइड करती हैं कि आपको कितना लोडिंग हो सकता है आपके प्रीमियम पे देना पड़े. तो ये पहले से आप निश्चित नहीं कर सकते हैं. ये आपके प्रपोजल फॉर्म में आपने जो डिस्क्लोज किया होगा उसको नजर में रख के और उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि कितना लोडिंग आपके प्रीमियम पे लगेगा. ओके, तो लोकेश जी ये सलाह आपको दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप स्टेप ले सकते हैं. और सवाल ले लेते हैं. दिल्ली से संजय जी ने हमें मेल किया है. इनकी उम्र 27 साल है और इन्होंने LIC जीवन आनंद न्यू प्लान लिया है. सम एश्योर्ड इज 10 लाख और इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट इसमें दे दिया है. 20 अभी भी पेंडिंग है. ये जानना चाह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू करें या नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 75 लाख का एक टर्म प्लान है और इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इनका एंडोमेंट प्लान भी है करीब 10 लाख का अगले 25 सालों के लिए. इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी, सरेंडर करने की राय देंगी? देखिए, अगर आपने, आपके पास एक टर्म प्लान है जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो आपने प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो ये आपने प्रोटेक्शन के लिए शायद नहीं लिया होगा, ये आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए ही लिया होगा. अगर आपका ऑब्जेक्टिव था वेल्थ क्रिएशन, अगर आप सोच रहे हो इतने लंबे समय तक इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड रहने का, या अगर आप 10 साल तक कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आप मैं सजेस्ट करूंगी आप सरेंडर मत करिए. आप इस प्रोडक्ट को पेड अप करिए. एक और इंश्योरेंस की किश्त जो है वो आपको भरनी होगी. आप 3 इयर्स तक प्रीमियम पे करके इसको पेड अप कर दीजिए और जो आपने पैसा दिया है वो पैसा प्लस कुछ बोनस अमाउंट के साथ आपको ये पैसा आपके मेच्योरिटी टर्म पे आपको वापस मिल जाएगा. और जो बैलेंस इयर्स हैं उसमें आप अपने लिए एक जीरो कॉस्ट यूलिप मैं सजेस्ट करूंगी, आप वो लीजिए. और उसमें आपको काफी बेहतरीन, बिकॉज आप मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो और अगर आप 10 साल तक मार्केट में रहते हो तो आपको ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट्स कभी भी नेगेटिव रिटर्न इन द लास्ट 50 इयर्स अगर आप देखो कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स इक्विटी मार्केट ने नहीं दिए हैं अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो. तो आई वुड सजेस्ट आप पीड अप करिए और अपने लिए एक अच्छा जीरो कॉस्ट यूलिप जो कि ऑनलाइन आप खरीद सकते हो वो आप जरूर लीजिए. ऑनलाइन पर आपने बात की और इसी पे मेरा अगला सवाल था. जब हम ऑनलाइन लेने जाते हैं, बिकॉज पॉलिसी बाजार में कंपेयर करने का ऑप्शन है, जब हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए संतोष जी? बिकॉज काफी लोग हम इस तरह के सवाल भी हमारे पास आते हैं कि ऑनलाइन खरीदना है हमें, क्या करें, किस तरीके से कंपेयर करें,
किस तरीके से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप क्या प्रोसीजर, किस तरह के स्टेप्स फॉलो करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको जो पावर है वो कंज्यूमर के हाथ में है, क्योंकि ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आप खुद प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो। आपको प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, आप खुद प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ऐसा आपको ये सिचुएशन आपके साथ कभी नहीं आएगी कि आपने किसी प्रोडक्ट को लिया और आपको क्लेम नहीं मिला। पहली बात ये है। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्लेम मिले, तो क्लेम अमाउंट आपको 100% बिकॉज अपने से ही डिस्क्लोजर किया होगा, आपको क्लेम अमाउंट जरूर मिलेगा। दूसरी चीज ये है, आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता है जी। आप जब ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को देख रहे हो, आप खुद कंपेयर करके उसके रिटर्न कितने हैं, आपको क्या फायदा है, वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आप खुद जज करके अपना डिसीशन आप मेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप जरूर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हो। बट ऑफलाइन जो मीडियम है, जहां पे एजेंट आपके घर पे आके या आप किसी से बात करके प्रोडक्ट खरीदते हो सकता है कि पूरी जानकारी जो है वो आपको ना मिले, तो खुद से भी रिसर्च करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और होल लाइफ टर्म प्लान जो कि एक नए तरीके का टर्म प्लान है, उसके बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।